कलर दूसरा यहाँ भी है ना, मुझे सूझा हुआ टारगेट दे दी गई है, उसका लिपि है हमारे पास, आप ले लीजिएगा, ये लिपि है उसकी। जो इस समय जो है कि मेडिकल हो रहा है का, कहाँ आए हो? सरकारी अस्पताल में आए, सीएससीएचसी। अच्छा, क्या हो रहा है वहाँ? वहाँ मेडिकल हो गया। अच्छा, मेडिकल के बाद मुकदमा हो जी, ये एफ आई आर के प्रति है, इसी पर हम लोग मुकदमा कायम करेंगे। ठीक है, वो उस कॉलेज के माध्यम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाह रहे हैं। अभी दो दिन पहले भी इस प्रकार से घटना को बताया गया कि साहब वहाँ पर भारत माता की जय बोलने पर बच्चों को मुर्गा बनाया जाता है, और जबकि जब DIOS का बलिया को भेजा गया मौके पे, और वहाँ विद्यालय के छात्र छात्राएं भी थे जिसमें सभी धर्मों के छात्र छात्राएं और विद्यालय में अध्यापन का कार्य करने वाले शिक्षकगण भी थे, उनके बीच में जब DIOS ने जा करके घटना की जानकारी ली तो पता चला 5 साल पहले इस प्रकार की कोई बात हुई थी, और जिसको अब जा करके प्रचारित किया जा रहा है कि साहब भारत माता की जय बोलने पर मुर्गा बनाया जाता है। आज फिर कुछ उसी से जुड़ी हुई घटना मारपीट की प्रकाश में आई, सुनने में आया हम लोगों को, तो तत्काल मौके पर एडिशनल SP बलिया पहुंच गए और SDM बल्थरा वहाँ पहुँच गए, और उसमें एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। तो सांप्रदायिक ताकतें हैं कुछ जो इस प्रकार के विषयों को छेड़ करके उसके बहाने कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। कितने लोग घायल हैं सर इसमें? घायल उस तरह से कोई नहीं है कि जिसको कहा जाए कि घायल है, ये सूचना मिली के साथ दो पक्षों में आपस में कहा सुन मौके पर पहुंच गए SP बलिया भी, मुकदमा इसमें दर्ज हो गया है, मुकदमे की विवेचना होगी, और विवेचना में यदि और कोई गंभीर अपराध का घटित होना प्रकाश में आता है तो उस पर संबंधित धारा में कठोर।